सचिव साहब ने बताया आपको, तो इसमें अचानक उस पूरे वैली में जो हैवी रेनफॉल की वजह से और क्लाउड बस लाइक सिचुएशन की वजह से जो वाटर लेवल एकदम बढ़ा, और उसकी वजह से जो छोटे छोटे गांवों में जो गदड़े होते हैं उसमें जो पानी का लेवल बढ़ने से जो वहां पर लैंडस्लाइड और कुछ घर उसकी जद में आए थे, तो उस लिहाज से जो टोटल फिगर्स डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई है वो 10 डेड बॉडीज अभी रिकवर हुई है। इसमें अगर संख्या वाइज देखें तो जो बकोड़ी विलेज है उसमें 4 बॉडीज रिकवर हुई है। उसमें ऑलरेडी जैसा कि अभी बताया गया है कि बाय एयर वहाँ पर SDRF के 2 जवान विथ वायरलेस सेट वो लोग पहुँच गए थे, और वहाँ पर जो लोग इंजर्ड है उनको लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उन्हें वहाँ से निकालने की कार्रवाई भी की जा रही है। उसके अलावा तिकोची में 3, आराकोट में 2, सनेल में 1, तो टोटल 10 डेड बॉडीज रिकवर हो गई है। उसके अलावा जो कन्फर्म मिसिंग है जिसमें तिकोची में 1, आराकोट में 2, सनेल में 2 और माकुड़ी में 1, तो 6 ऐसे मिसिंग पर्सन जो कि कन्फर्म हुए हैं। उसके अलावा कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे कुछ एक व्हीकल की सूचना आई है तो उसको कन्फर्म कर रहे हैं कि वो गाड़ी मिसिंग की बात आई है, तो ऐसी ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन इस संबंध में जो शिमला, क्योंकि जो हमारा जो ये एरिया है अफेक्टेड एरिया है ये हिमाचल बॉर्डर से लगता है, तो SP शिमला से भी इस संबंध में बात हुई है। वहाँ यद्यपि उन्होंने कैजुअलिटी के बारे में बताया है कि अभी उनके वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं है, हमारा ये एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन उनके साथ भी लगातार संपर्क में है हम लोग। इसके अलावा वहाँ पर NDRF, SDRF के अलावा जो स्थानीय लेवल पर जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, SDRF है, उसके साथ साथ NDRF, ITBP और AFOs की ALH भी यहाँ पर ऑलरेडी सर्च एंड रेस्क्यू कार्य के लिए आ चुकी है, और जितने भी वहाँ लोकल लेवल पे विलेजर्स से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या आवश्यकता है, किस तरह के दवाई है या पर्टिकुलर आइटम की आवश्यकता है, उस लिस्ट को लेकर फिर यहाँ से हम लोग लगातार भेजेंगे। वैसे जो प्रारंभिक तौर पे जितने भी मेडिकल और रसद है खाने पीने का वो हम लोग पहुँचा चुके हैं और लगातार कुछ रास्ते में है।